ख्वाब है। ए, ख्वाब नहीं, तुम जाग रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ऐसा तो फिर फौरन बचाओ, देर किस बात की है। पहले मेरी बातों का जवाब दो। सवाल करो देवी, उत्तर हाजिर है। ये सन्यास का भूत तुम्हारे सिर से उतरा है या नहीं? तुम्हें देखते ही रफू चक्कर, मेरा मतलब है 9-2-11 हो गए। करेक्ट। अगर मैं तुम्हें खोल दूं तो कहाँ जाओगे? इधर तुम्हारे घर। तेरी तो तुम खोलो तो सही, जहाँ बताओगी वहाँ चला जाऊंगा बस। सच? सीधे अपने घर। तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। तुम खोलो तो सही, मैं जहाँ कहोगी वहाँ चला जाऊंगा। तुम्हारा कोई अखबार नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। अच्छी बात है भाई, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी खोलो। जोखम में डाल के लाया जी, पूछो किधर से? किधर से? गुरु रामनाथ के मठ से। अरे शाबाश मुनीम के बच्चे, मैं तो तुझे बिल्कुल उल्लू का पट्टा समझे था, लेकिन तू तो बड़ा काम का आदमी निकला। थैंक यू सर। वांगा अम्मा, वांगा शीघ्र वांगा। अरे कहाँ है? ये है, ये है। अरे तुम दोनों खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मुंह तो खोलो मेरे लाल का। हाँ, अभी खोलता हूँ। गुरु रामनाथ जी, मैं कौन दुष्ट उठा के यहाँ लाया? हमारे हाथ से मिस्टेक हो गया, हमने आपको माफ किया है। आपको नहीं, मुझको बोल, मुझको। आपको भी। गुरुदेव, मेरे मुनीम से भूल हो गई है, इसे क्षमा कर दीजिए। हमने क्षमा किया, किंतु इस मूर्खता का कारण मैं बताता हूँ गुरुदेव। मेरा एक ही बेटा है मोती, जो आपके डेरे में जाकर योगी बन गया है। मोती? अच्छा, वो चंचल बालक जो कहता था मैं जगत में अकेला। गुरुदेव, वो इस घर का उजाला है, उसे वापस लौटा दीजिए। माता जी का डुप्लीकेट बालक मर गए। ठहरो बच्चा, इधर आओ हमारे पास। मैं सच कहता हूँ गुरुजी, मैं सिर्फ माताजी के दर्शन के लिए आया था, मैं तो वापस मर जाता हूँ। बैठ जाओ बच्चा। गुरुदेव, हम तेरी कहानी सुन चुके हैं बालक, तेरे जाने का कष्ट न कर, अपने माता पिता की सेवा कर और जगत के मीठे फल भी खा। तेरे लिए संसार ही सबसे बड़ा योग है बालक। थैंक यू गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और एकदम से बहादुर सूरमा बन जाऊं। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं बालक। थैंक यू गुरुदेव। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। हाँ दे दीजिए, यही है वो जिनके लिए। आप समझ गए होंगे। गुरुदेव, कुछ ऐसा प्रबंध कर दीजिए इसका बाप रिश्ते के लिए मान जाए, वो बहुत पत्थर दिल का आदमी है। हाँ गुरुदेव, मेरी भी 2-4 हड्डियाँ उसने तोड़ दी थी। जगन्नाथ मुझे उन्हीं के घर से उठा कर लाया था, बड़ा जालिम बाप है ये, तो अभी तक घर जाने से डरती है। तू बेखटके घर चली जा बच्ची, भगवान ने चाहा तो आज से उनके मन में कठोरता की जगह प्रेम होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तू आ गई बेटा। पिताजी, बात यह है कि बात कुछ भी नहीं पिताजी, वो हमारी क्लब की मेंबर है ना, मिस मैंगो, वो जा रही मोटी। पिताजी, महालक्ष्मी के पुल पर कार का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जो स्लिप हुई तो सीधा ग्रैंड रोड, ग्रैंड रोड से चर्च गेट, चर्च गेट से रिगल सिनेमा। बस पिताजी, एक तो अकेला
अकेले अकेले पिक्चर देख के आई और फिर ऊपर से बातें बनाती। हाँ पिताजी, पिक्चर बड़ी लाजवाब पिक्चर थी। वाह गुरुदेव। गुरुदेव? हाँ डैडी, उस पिक्चर में एक गुरुदेव थे, ये लंबी दाढ़ी, क्या लाजवाब काम था उनका। अच्छा तो चलो खाना खा ले, एक बज गया है। आज मैंने खाना अपने हाथों से बनाया है। आपने खाना अपने हाथों से बनाया है? वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव। मैं जानता हूँ बेटी, तू अभी तक मुझसे नाराज है। किस बात पर? वही उद्योगी की बात पर। खाम खाम आ बैठा बेचारे। किसी ने सच कहा है कि गुस्सा पागलपन से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। मैं अभी तक पछता रहा। जी हाँ, उस दिन मैं आपको रोकती रही, आपने बेचारे सरजी को कितना मारा लोगों के सामने। उसके लिए भी मुझे अफसोस है। मैं कल ही जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। तो क्या आप उनके घर जाकर माफी मांगेंगे? हाँ। वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव। उस दिन उस लड़के की माँ भी आई थी बेचारी। क्यों बेटा, शादी के बारे में तेरी क्या मर्जी? डैडी आप मुझसे क्या पूछते हैं? जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। अगर मेरी मर्जी पूछती है तो सुन, जहाँ मर्द औरत से ज्यादा प्रेम करे उस घर में औरत का राज होता है। मुझे तो तेरे लिए यही घर पसंद है। वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव। अरे ये क्या है पिताजी? तेरी दीदी का टेलीग्राम, वो इसी हफ्ते कलकत्ते से वापस आ रही है। तो क्या दीदी भी आ रही है? वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव। मैं हैरान हूँ कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ रही है। वो समझ में नहीं आता है, सर उसके आने पर सब मालूम हो जाएगा। ले अब तू खाना खा। अच्छा डैडी। वाह गुरुदेव। ओ मोती, तुझे तो गुरुजी आशीर्वाद दे गए हैं। तू अपनी माँ के साथ चला जा, मेरी तो अभी तक पसलियाँ दुख रही हैं। आपकी तो खाली पसलियाँ दुख रही है ना, मगर मेरा तो पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। अरे तो फिर क्या करें? अरे मैंने कहा कोई है घर में? चौधरी साहब आइए आइए, धन्य भाग हमारे, पधारिए पधारिए। ये बला तो यहाँ तक आन पहुँची। अजी कल से इतना परेशान था कि रात मुश्किल से कटी। कहाँ है मेरे भाई साहब और मेरा मोती बेटा? अभी आते हैं। अभी मैंने कहा रहने दीजिए तैयारियाँ, इसकी क्या जरूरत है, अब तो कुएं प्यासे के पास आ गया है। आप तो मुझे शर्मिंदा करती मोती। इस सांड की नियत अच्छी नहीं दिखती, तू पहले बाहर जा। नियत अच्छी नहीं दिखती तो कुर्बानी के लिए मुझे भेज रहे हैं? क्या मोहब्बत है बाप को बेटे से। अच्छा भाई, अच्छा भाई, तो ले टॉस कर लेते हैं। बोल हेड के टेल? हेड हेड, मेरा हेड तो बचा। तो फिर मेरे हेड की बारी है। सुन मोती, सुन, बात बिगड़ते देर नहीं लगती। अगर मैं फंस गया तो पिद्दी पहलवान का नारा लगाऊंगा, फौरन मदद को आ जाना, एक और एक 11 होते हैं। आप पहुंचो तो सही। ये बात क्या है भाई साहब, बाहर क्यों नहीं आते? बस आते हो। लीजिए प्रोफेसर साहब, मैं हाजिर हो गया। जी वाह, क्या ठाट बात है सेठ हीरामल जी, आज तो गले मिलने को जी चाहता है। अच्छा जी, तो आइए गले मिलिए। क्या उस्ताद पिद्दी पहलवान, क्या बजरंगी बली। मगर सेठ जी, मैं सुलह के लिए आया था। माधव बाबू, हो जाए काम, क्या होगा? मैं बात देता हूँ। आज तेरे लिए क्या चीज है जी? क्या चौधरी साहब, माफ कीजिएगा, क्या हमाकत हो गई थी मुझसे? तशरीफ रखिए। कोई बात नहीं सेठ जी, ऐसी ही हिमाकत मुझसे भी हो गई थी। ये तो वही साधु है। अजी चौधरी साहब, इसी शक्ल का एक साधु हमारे यहाँ भी आया था। कौन साधु है वो? क्या कोई मेरा निशान खराब कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, तुम बाहर जाओ, रूपा गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसा? अरे बाप, पिताजी मामा संभालो। हाँ तो मैंने कहा सेठ जी, हाँ इत्मीनान से कहिए, इत्मीनान से कहिए। खून हो गया, मोती, खून हो गया। खून? हाँ। किसका खून, किसने किया? तुम्हारे बाप की बेटी ने, मेरे बाप के बेटे का। ये क्या मजाक? मजाक नहीं, हकीकत है। दिल की घर फेफड़ा तीनों जख्मी। झूठा कहता? झूठा नहीं, मैं सच कहता हूँ। ये लिबास, ये अदा, ये नजर, ये जगह जगह थर्ड क्वालिटी की है, आप बदली करें। मगर पिताजी, उनको भी बदली। क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो ना, खुशी की महफिल में क्या काम जलने वालों का। नहीं मैं ये कह रहा था सीधा मन जी, मेरी बेटी रूपा को लड़का पसंद,
मुझे भी रिश्ता मंजूर है, मेरी तरह से बात पक्की समझिए। और ये लीजिए शकंदर, लाइए मुझे दीजिए। हाँ हाँ, तुम ही ले लो और जाओ भाई, इनके लिए कोई मिठाई उठाई तुम भेजो। अच्छी बात। वाह गुरुदेव, यहाँ भी गुरुदेव। हाँ चौधरी साहब, मुझे अपने गुरुदेव याद आते। या पिद्दी पहलवान अजी, अंधा के मांगे दुआ के आपने तो हमारा बोझ हल्का कर दिया। कहिए शादी की कौन सी तारीख तय किया? जरा ठहरिए से, मेरी बड़ी लड़की गीता इसी हफ्ते कलकत्ते से आ रही है। दुनिया के रिवाज के मुताबिक पहले मैं उसके हाथ पीले कर दूं, तब तक रूपा आपकी अमानत के तौर पर मेरे पास रहेगी। है बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैंने रूपा की शादी पक्की कर ली है। घर अच्छा है, धन दौलत सभी कुछ है, बस देर इस बात की है कि तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं इसके हाथ पीले कर। क्या हो गया? ठहरिए दीदी, मैं देखती हूँ। क्या मुसीबत? दीदी, क्या है? दीदी, तुम्हारा चेहरा तो गुलाब के फूल की तरह खिला रहता था, इस बार अपनी हंसी कहाँ छोड़ आई हो? मुझे परेशान मत करो, चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी जब तक ये नहीं बताओगी कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम इतनी बदल क्यों गई हो? क्या मेरी शादी की बात पसंद नहीं? तुम्हारी शादी में मेरी पसंद का क्या मतलब? फैसला तुम्हारे हाथ में है दीदी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी मेरी भी नहीं हो सकती। तो सुन रूपा, तेरी शादी कभी नहीं होगी। दीदी, इससे ये न समझना रूपा कि मुझे तुम्हारी खुशियों से कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मगर तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ कि तुम कभी शादी न करना। मर्दों की जात बड़ी बेवफा है, धोखेबाज है, खुदगर्ज है। कैसी बातें करती हो दीदी, किसने तुम्हें धोखा दिया है? छोटे जिद नहीं किया करती, जाओ मुझे अकेली छोड़ दो, जाओ। मैं तो तुम्हारी दीदी का मूड देखकर ही डर गया था। तुम नहीं जानते मोती, मेरी दीदी कितनी शोक और हसमुख थी। मगर ये अपने टाइम पर क्यों अड़ी कर रही है? मुझे क्या मालूम है। मैं समझ गया, इसकी बैकग्राउंड में जरूर कोई ना कोई इश्क लफड़ा है। शादी के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारी दीदी का के साथ मिलूंगा। शादी? किसकी शादी? तुम्हारी दीदी की छोटी बहन की है? नहीं समझी? अच्छा, तो सेठ हीरा मन के छोकरे से कहना कि जरा मुंह धोकर रखे। ठीक है, मगर कौन से साबुन से? ओहो, तुम तो बुरा मान गए। इधर हम लोगों की जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मोती, ये मत भूलो कि जब तक दीदी की शादी नहीं होगी हमारी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि फिर से संन्यास का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। मोती, दीदी रात भर कमरे में टहलती रहती है और मैंने तो उसकी रोने की आवाज भी सुनी है। रोती है और टहलती है, टहलती है और रोती है। ऐसा तो आज हम लोग छुप के देखते हैं, मुझे तो मामला बड़ा गंभीर दिखाई देता है। भाग हमारे, कहिए आज कैसे कृपा की आपने? देखिए जी, मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि रूपा और मोती की शादी फिलहाल नहीं हो सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? अजी, मेरी बड़ी बेटी गीता का सर फिर गया है, न जाने क्या बात है, वो किसी तरह शादी पर राजी नहीं होती। तो कोई बात नहीं, उसकी शादी बाद में हो जाएगी, पहले आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? बड़ी के होते छोटी की शादी कर दो तो दुनिया मुझे क्या कहेगी? आखिर ये मेरी इज्जत का सवाल है। जी हाँ, इस बात से तो मैं भी डरता हूँ। लड़का एक दफा जोगी बन चुका है, अब की दफे मदारी बन गया तो सारे शहर में मेरी इज्जत की डुबड़ी बच जाएगी। तुम तो हमेशा ऐसे ही बात करोगे। चौधरी साहब, मेरा मोती बड़ा ही सियाना बेटा है
और फिर गीता की शादी तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। कहीं ना कहीं हो जाएगी, लेकिन कब हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, किसके साथ हो जाएगी, और अगर ना हुई तो? चौधरी साहब मामला बहुत सीरियस है, आइए हम दोनों इस पॉइंट पर जरा सोचें। देखिए आप लोग सोचिए, मैं चाय भिजवा देती हूँ। तस्वीर किसकी है? तू गीता विद लव नरेश, ये नरेश कौन है? मुझे नहीं मालूम। अरे ओ ए, ये देखो इस अखबार में उसी का फोटो है, मर्डर इन ए गैम्बलिंग डेन, जुआरी का दर्दनाक अंजाम, कातिल नरेश को मौके वारदात पर गिरफ्तार कर लिया गया। अरे ये देखो, जुए खाने में झगड़ा, एक हलाक कातिल शराब के नशे में चूर था। बाप रे, केस तो बहुत भारी है। समझ गई, जिससे दीदी ने प्यार किया वो धोखेबाज शराबी और खूनी निकला, यही वो बदमाश है जिसने मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और हमें कहाँ आबाद होने दे रहा है? ये क्या है? अरे नरेश का खत। गीता, शायद दुनिया वालों की तरह तुम भी मुझे कातिल समझती हो, लेकिन मैं सच कहता हूँ गीता, ये वाकया कैसे हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अगर मेरे पास रुपया होता या मेरा कोई साथी, दोस्त या हमदर्द होता तो शायद मैं अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सकता। ओके बाप, बदमाश मौत के मुंह में जाकर भी झूठ बोलता है। रूपा, मैं कहता हूँ ये आदमी बिल्कुल बेकसूर है, इसके एक एक लफ्ज से सच्चाई की फ्लेवर आती है। हाँ हाँ, तुम्हें तो सच्चाई की फ्लेवर जरूर आएगी, दाद भाई है ना इसलिए। मगर मैं पूछती हूँ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ है। क्या? मैं अगर इसकी जगह होता तो डिक्टो ऐसा ही खत लिखता तुमको, बाय गॉड, वर्ड बाय वर्ड। मैं तो कहता हूँ मैं इसकी जरूर मदद करूंगा। मगर मैं पूछती हूँ कैसे? हम उसके दोस्त और हमदर्द बन के कलकत्ते जाएंगे। रहा माल का तो पिताजी की तिजोरियां भरी पड़ी हैं, जो आज तक 90% गलत कामों में खर्च होता रहा है। आज जबकि चांस मिला है तो क्यों ना सही जगह खर्च करके एक बेगुनाह को बचाया जाए। वो बच जाएगा तो तुम्हारी दीदी खुश हो जाएंगी और लगन नंबर वन हो जाएगा, उसके बाद लगन नंबर टू, नहीं तो तुम उधर मगन, हम इधर मगन, नो लगन। तो फिर कलकत्ता। ओके ओके। मिस्टर मोती, नरेश के खिलाफ सबूत हैं, फैक्ट्स हैं कि उसने कंपनी में 50,000 रुपए का गबन किया, क्लब गया, जुआ खेला और जब हार गया तो उसने मिस्टर साहूकार का फोन कर दिया। क्लब के जितने लोग थे सब ने इस बात की गवाही दी। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है। माफ कीजिए मिस्टर मोती, दिल की गवाहियों पे अदालत फैसले नहीं करती, अदालत सबूत चाहती है, सबूत। सबूत के लिए उसका ये लेटर है, इसमें उसने साफ लिखा है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। उसके लिखने से क्या होता है, हर मुजरिम अपने आप को निर्दोष समझता है। अच्छा ये बताइए, आपका नरेश से रिश्ता क्या है? नरेश मेरा भाई है। देखिए ना, हर इंसान एक दूसरे का भाई होता है। तो इस हिसाब से सिर्फ कलकत्ते ही कलकत्ते में उसके 20 लाख भाई हुए। आप बराए मेहरबानी अपना और मेरा वक्त जाया ना कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए वकील साहब, हम बहुत दूर से आए हैं, आप मेहरबानी करके उससे एक दफा मुलाकात करवा दीजिए। प्लीज वकील साहब। ऑलराइट। जब आपकी मेरी जान पहचान नहीं, दोस्ती नहीं, तो फिर इस हमदर्दी की वजह क्या है? क्यों, बगैर वजह के हमदर्दी नहीं हो सकती? नहीं, इस दुनिया में बगैर वजह के दुश्मनी हो सकती, एक बेगुनाह पर खून का इल्जाम साबित हो सकता है, लेकिन हमदर्दी नहीं हो सकती। हमदर्दी नहीं होती तो हम लोग ग्रेटर बॉम्बे से कलकत्ते झक मारने चले आए। देखिए, ये खत आपने गीता को लिखा था? गीता? हाँ, ये गीता की बहन है। आप समझ गए हमदर्दी का सबब? आई एम सो सॉरी। अब सारी वारी छोड़ो, 6 मिनट तो आपने इंट्रोडक्शन में खराब कर दिए। जल्दी से बताओ कि हुआ क्या था। मैं 8 साल से बंगाल कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर कैशियर मुलाजिम, हजारों लाखों रुपया रोजाना मेरे हाथों से तकसीम होता था। हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास मूनलाइट क्लब के मालिक मिस्टर बांके बिहारी का आना जाना था, उनसे मेरी मामूली सी जान पहचान थी।
एक रोज मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, आप हैं मिस सारा, हमारी मूनलाइट क्लब की डांसर, और आप हैं मेरे दोस्त मिस्टर नरेश। दोस्त तो मोटर कार में घूमते हो और बेचारा दोस्त पैदल। अरे मैं तो अब तक यही समझे हुए था कि इनके पास गाड़ी है। क्यों मिस्टर नरेश? अजी साहब 350 रुपए में गाड़ी कहाँ, बड़ी मुश्किल से टांगे चलाते हैं। अब ज्यादा शर्मिंदा न करो मिस तारा, मैं थोड़े ही दिनों में मिस्टर नरेश की काया पलट दूंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू। हेलो बीटा। अच्छा जी, तो आपके 3 बजे है, पिक्चर तो शुरू हो गई होगी। मैं क्या करता, पूरा आधा घंटा बस स्टॉप पर खड़ा रहा। तो आप टैक्सी में आ जाते। टैक्सी 350 रुपए में किराया, खाना, कपड़ा और ऊपर से टैक्सी। तुम्हें तो घर से पैसे आ जाते हैं ना, तुम्हें किस बात की चिंता है? अरे आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक ही तो कह रहा हूँ गीता, ये भी कोई जिंदगी है। लोगों की तरफ देखो, उनके पास मोटरें हैं, बंगले हैं, रुपया है। तो क्या विचार है, चोरी करोगे या डाका डालोगे? अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी गीता, आज किस्मत ने एक ऐसे आदमी से मिला दिया है जो मालदार ही नहीं बल्कि देवता भी है। कौन है वो? मूनलाइट क्लब का मालिक मिस्टर बांके बिहारी। इस वाक्य के 6 दिन बाद, जबकि मैं अपने काम में मसरूफ था, एक दुबला पतला आदमी दाखिल हुआ। मिस्टर नरेश आओ। ये बांके बिहारी साहब ने थी। आपके नाम पर एक छोटा सा कारोबार किया था, प्रॉफिट में से 500 रुपया आपका हिस्सा भेज रहा हूँ। आपका दोस्त बांके बिहारी, प्रोप्राइटर मूनलाइट क्लब। 500 रुपया? गीता, 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 बैठ जाओ। ये लो, और ये, और ये। ये क्या है? जेवर है, साड़ियां हैं, यूं समझो कि नई जिंदगी की तैयारियां हैं। मगर ये सब कहाँ से लाए हो? इत्मीनान रखो गीता, ये कोई चोरी या डाके का माल नहीं। लो ये पहल। नहीं, पहले ये बताओ कि रुपया कहाँ से लाए? ओफो, अरे भाई तुम्हें बताया था ना मिस्टर बांके बिहारी के मुतालिक। हाँ, मगर वो बिन मांगे आपको क्यों दे रहा है? क्योंकि वो देवता है और देवता बिन मांगे ही दिया करते। मुझे तो डर लगता है, मगर जान पहचान के देने वाले लोग अच्छे नहीं होते। तुम घबराओ नहीं गीता, ये आंखें कैशियर की आंखें हैं जो खरे और खोटे को खूब पहचानती है। लो मैं तुम्हें पहना दूं। उस दिन कंपनी के स्टाफ को तनख्वाह बटने वाली थी, इतने में बांके बिहारी खुद आ गए। हेलो मिस्टर नरेश, गुड मॉर्निंग। हेलो मिस्टर बांके बिहारी, कहिए कैसे आना हुआ? माफ कीजिएगा, आप बहुत ज्यादा मसरूफ नजर आते हैं, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैंने एक फ्लैट देखा था, बाय द वे आपका ख्याल आ गया, इट विल सूट यू लाइक एनीथिंग। बड़ी नवाजिश की आपने, उस दिन भी आपने इतनी कृपा की, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। नहीं छोड़िए इन बातों को, आप हमारी तकल्लुफ कर रहे हैं। अरे साहब ने बुलाया। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं अभी 5 मिनट में हाजिर। कोई बात नहीं, परफेक्टली ऑल राइट। सात मिनट के बाद जब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के कमरे से बाहर निकला तो तंग बांके बिहारी जा चुका था। ये साहब कब गए मालूम नहीं। पेश बस खाली था और
टोटल 50,000 रुपया गया, अब क्या मेरी इज्जत हाथ में मिल जाएगी। स्टाफ का शोर मेरे कानों में गूंजने लगा, मैं घबरा गया। एकदम मुझे ख्याल आया, ये रुपया बांके बिहारी ना ले गया हो। बांके बिहारी भाई, बिल्कुल वही नोट लेकिन मालिक बदला। यही रुपया, लास्ट राउंड। नहीं नहीं, मेरा रुपया। शरबत है, पी लो, रुपया भी मिल जाएगा। गो अहेड, पी लीजिए प्लीज। लो शेठी, 5,000। चलिए शाम, टेक इट अवे। वो ले जा रहा है तुम्हारे रुपए, जा ले लो, उससे मैं कहता हूँ जा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे क्लब की तमाम शहर में इज्जत और शोहरत है। हमारे यहाँ थिएटर के खेल, क्लासिकल डांस और गाना वगैरह होता है, जुआ कभी नहीं होता। ये तो मेरी लाइलमी में नरेश ने स्वर्गवासी सेठ नटवर लाल के साथ जुआ खेला और ज्यादा हारने पर गोली मार दी। बेचारा नशे में ये हरकत कर गया। इंस्पेक्टर साहब, इस बेचारे को फांसी तो नहीं होगी? ये फैसला तो अदालत करेगी। राइट राइट, तमाम गवाह मौजूद हैं और रिवॉल्वर तो खुद आपने उनके हाथ से लिया है। मैं बेकसूर, मेरा रुपया। बेचारा अब तक नशे में झूम रहा है। ले चलो इनको पुलिस चौकी, आपका भी साथ चलना होगा। बिल्कुल जरूर, चल तशरीफ ले चलिए। लेकिन किसी ने एक ना सुना, कंपनी में मेरी 8 साल की शराफत किसी काम ना आई। इसके बाद टाइम हो गया। अच्छी बात है नरेश, तुम घबराओ नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। मैं कानून और इंसाफ का दरवाजा पूरी तरह खटखटाऊंगा, चाहे लाखों रुपया खा देगा। नमस्ते। बड़ी जालिम है ये मर्दों की दुनिया, पैसे के लिए धोखा, फरेब, खून, क्या क्या करते हैं। याद रखो, इसमें औरतों का हिस्सा भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ, आंसू और आहे, ये है बेचारी औरतों का हिस्सा। तुमको अपनी दीदी याद आ रही है और मैं उस डांसर तारा के बारे में सोच रहा हूँ। तारा? हाँ भाई, वो क्लब की डांसर, बाके बिहारी का पार्टी आउट करने के लिए पहले उस डांसर को कब्जे में करना पड़ेगा। वो कैसे? ये तो क्लब जाने के बाद ही मालूम होगा। नहीं नहीं मोती, भगवान के लिए वहाँ ना जाना, वो लोग बड़े खतरनाक हैं। तो तुम घबराती क्यों हो? अरे भाई, बंगाल का भी वही भगवान है जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का है।